हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंकिता है। आज मैं एक ब्रांड न्यू ट्रेलर ब्रेकडाउन लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेक अ विश। सो वीडियो स्टार्ट। इस स्टोरी में देखने में मुझे ये पता चला है कि जो फ्लूक है वो एंजल है, और एक हमें जो लड़का दिखाया जाएगा जो कि मेन लीड है, मेन रोल में, वो डॉक्टर होते हैं बट काइंड ऑफ उन्हें घोस्ट दिखते हैं। उनके पास पावर है जो कि एंजल और घोस्ट दोनों को देख सकते हैं, और घोस्ट जितने भी होते हैं वो हेल्प मांगते हैं। ऑब्वियसली हर जगह का ये पैटर्न है कि अगर कोई पर्सन उन्हें देखता है तो ज़रूर उसके पास जाएंगे परेशान करने या फिर हेल्प मांगेंगे। अभी हमें मेन लीड का नाम नहीं पता, और वो फिर इन सब से परेशान होकर पेड़ के पास जाता है और प्रे करता है कि उसको जो है घोस्ट दिखना बंद हो जाए। फिर साइड से फ्लूक यानी कि एंजल आता है और वो बोलता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। देन वो ना एंजल से ना वो प्रे करने लगता है कि प्लीज़ घोस्ट दिखना बंद कर दो मुझे, मैं बहुत परेशान हो गया, ब्ला ब्ला। देन यहाँ पे एंजल एग्री कर जाता है, कहता है कि बस मुझे कुछ मिशन है उसको कम्प्लीट करना है तो मैं वो कर लूँगा, तो उसके बाद तुम्हें घोस्ट दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजल होता है वो मतलब कि किसकी डेथ हो गई होती है उसका जो है डेथ मिस्ट्री सॉल्व करने के पीछे पड़ा रहता है, प्लस उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। फिर क्या, हमारे फैशनिस्टा जो एंजल है वो तैयार हो जाते हैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट गाइज, यहाँ पे स्पेशल पर्सन भी है। अगर आपने 180 डिग्री देखा है तो आप इस पर्सन को ज़रूर पहचानेंगे। यहाँ पे हमारे प्यारे से एंजल को लव के बारे में लेक्चर देते हैं कि अगर तुम लव के चक्कर में पड़ोगे तुम्हारी पावर चली जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट भाई, आप समझ ही सकते हैं, एक घोस्ट या एंजल देखने वाला पर्सन और एंजल की स्टोरी ना दिखे तो ये फिर सीरीज़ बनने का काम ही क्या है। आपको मैं बता दूं कि ये नोवेल पे बनी है। अगर आपने मैनर ऑफ डेथ देखी है और ट्रेज देखी है तो सेम उसी राइटर ने लिखा है इसको। अब जो हमें ये थर्ड इंस्टॉलमेंट उनको देखने को मिल रहा है, गाइस ये प्लॉट टीज़र है, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी बताई गई है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्लूक को कुछ कॉमेडी रोल करते हुए, क्योंकि जब से मैंने इसे देखा है अनटिल वी मीट अगेन, ओ माय सनशाइन नाइट देखा, उसमें सीरियस ही रोल था और इसमें कुछ कॉमेडी भर के है जो कि काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो ट्रेलर है कैसा लगा। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, इस ब्रेकडाउन को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आप ऐसी वीडियो से अपडेट रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन अनिंग चिंगू, बाय बाय।